going to start with the revision part today. First chapter of macroeconomics, money. Very simple chapter बेटे, money और banking दोनों की 6 marks की weightage है, और money chapter जो है उसमें सिर्फ concept है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? Even though it's a very short chapter, but you need to know the concept, थोड़ा सा technical part आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. Money, what is money? Money is anything which can be used as a medium of exchange. कोई भी mutually consent से कोई चीज आप लोगों ने बना ली, जो आप कहते हो कि it can be used as a, you know, medium of exchange or buying and selling, which is accepted by all of them, that is money. So anything which is used as a medium of exchange, as a store of value, as a measure of value, and as a standard of deferred payment. अगर हम मनी की कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मनी का प्राइमरी फंक्शन यही है, इट इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करना है मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ये प्राइमरी फंक्शंस हैं. लेकिन इसके अलावा मनी ऑल्सो एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है? तो देयर इज एन इकोनॉमिस्ट हु से मनी इज व्हाट मनी डज. मनी को कैसे डिफाइन करना है, वो कहता है मनी वो है जो मनी करती है. तो यहां से ही हम एक डेफिनेशन निकाल लेते हैं, मनी क्या करती है? मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. फर्स्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अर्लियर टू मनी देयर यूज्ड टू एग्जिस्ट बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम प्री सपोज्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. बार्टर सिस्टम क्या होता था, जिसमें गुड्स यूज्ड टू बी एक्सचेंज फॉर गुड्स. सो पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग सरप्लस कमोडिटी ऑफ, देयर इज अ पर्सन ए, ही इज प्रोड्यूसिंग एक्स, ही इज हैविंग सरप्लस ऑफ एक्स, ठीक है? But he is also in need of Y. He wants to exchange this surplus of X with Y. So he needs to find another person, say B, who is producing Y and who has surplus of Y. And he is ready to exchange Y for X. ठीक है? तो barter system के लिए ये दोनों की वॉन्ट्स का कोइंसाइड करना बहुत जरूरी था. यस, दैट बोथ द पार्टीज शुड बी रेडी टू बाय एंड सेल ईच अदर्स कमोडिटी. एक्स शुड बी रेडी, ए शुड बी रेडी टू सेल एक्स टू वाई, एंड इन रिटर्न ही शुड बी रेडी टू बाय वाई फ्रॉम बी. सिमिलरली B should be ready to sell Y to A and buy X from A. दोनों की wants coincide करना जरूरी था barter system में, लेकिन ये हमेशा possible नहीं था. It was really difficult to find a person who is ready to buy your commodity and ready to sell the commodity which you are requiring in return for this commodity. ठीक है? सो देयर वर मेनी अदर डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम विच गेव राइज टू द एवोल्यूशन ऑफ मनी. सी, वी ऑलवेज से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. आपको जब किसी चीज की जरूरत महसूस होती है तो उस चीज की इन्वेंशन हो जाती है. तो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बार्टर सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी, जिस करके मनी की एवोल्यूशन हुई, मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है? सो टुडे मनी इज परफॉर्मिंग और रिमूविंग ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम. फर्स्ट, मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बाय एक्टिंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट रिमूव्स विच ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम? लैक ऑफ डबल coincidence of wants.
अब आज के टाइम में जब मनी एग्जिस्टेंस में है और आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको पेन चाहिए, आपके पास नोटबुक सरप्लस में पड़ी है, तो आपको कोई वो पर्सन ढूंढने की जरूरत है कि जो आपकी नोटबुक खरीद ले और उसके बदले आपको पेन दे दे? डू यू नीड टू गो टू एवरी क्लास ऑफ द स्कूल टू लुक फॉर द स्टूडेंट्स? कि आप जा के बोलो किसी को नोटबुक चाहिए, मेरे को पेन के बदले नोटबुक ले ले कोई? डू यू नीड टू डू दिस? इंस्टेड व्हाट यू विल डू, जो आपके पास चीज पड़ी हुई है वो आप बेच आओ, उससे आपके पास पैसे आ जाएंगे, उससे आपको जो चीज चाहिए पेन खरीद लो. That is money is now acting as a medium of exchange. हाँ, एक medium source बन गया है जिससे हम goods को खरीद और बेच सकते हैं. Exchange का मतलब क्या होता है? What do you mean by exchange? Buying and selling. So money has separated the process of buying and selling. Barter system में buying और selling would take place simultaneously. एक हाथ दे दूसरे हाथ ले. अभी मनी के साथ ऐसा नहीं है. आप जाओ मार्केट में, चीज को बेच आओ, पैसे ले आओ. आप मार्केट में जाओ, पैसे देके वो गुड ले आओ जो आपको जरूरत है. सो मनी बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज रिमूव्ड द डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट व्हिच एग्जिस्टेड इन बार्टर सिस्टम. मनी बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज has separated the process of buying and selling. Yes, so it's become very, very easy. It has facilitated the exchange process. Ab buying or selling mein koi difficulty nahi hai. Jo bhi bechna hai, bechao, paise le aao. Jo khareedna hai, paise le jao, khareed lao. Clear? Secondly, bete, money acts as a measure of value. मेजर मतलब माप है. किसी भी चीज की वैल्यू को आप मनी में मेजर कर सकते हो. सो मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बुक, आपको टीआर जैन की बुक आपके या एनसीईआरटी की बुक आपके आगे पड़ी हुई है, मैंने कहा इस बुक की वैल्यू क्या है, तो अब यू लुक फॉर इट्स प्राइस, है ना? तो अगर 110 रुपीज है, ऑल ऑफ यू विल टेल मी मैम इट्स वैल्यू इज 110 रुपीज. थिंक ऑफ द टाइम, मनी नहीं है लेकिन बुक आप सबने खरीदी. किसी ने, किसी के घर में बनानास पड़े थे, उसने बनानास एक्सचेंज करके बुक खरीद ली. किसी के घर में कोई शूज बना रहा था, वो शूज के एक्सचेंज में बुक खरीद ली. ठीक है, किसी ने पेन्स देके बुक खरीद ली, किसी ने कपड़े देके बुक खरीद ली. तो अगर मैं आपसे बुक की अब वैल्यू पूछूंगी, जिसने बनानास देके खरीदी वो कहेगा 10 बनानास, जिसने शूज देके खरीदी वो कहेगा 1 पेयर ऑफ शूज, है ना? यानी हम किसी भी कमोडिटी को स्टैंडर्ड यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते थे. मैं नहीं जान सकती किसकी बुक की वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है, क्योंकि हर एक कोई डिफरेंट मेजर यूज कर रहा है वैल्यू को मेजर करने का, अलग मोड यूज कर रहा है. बट विद मनी वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी कैन नाउ बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो मनी एक्ट्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू. बेटे अगर कोई एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ना होता ना, तो आज आपके पास जो डिफरेंट कंट्री से गुड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट सिटी से गुड्स आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से गुड्स आ रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं थी. क्लियर? हमारा ट्रेड इतना ज्यादा एक्सपैंड हो गया है बिकॉज गुड्स वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. थर्डली, इसको हम ये भी मेजर ऑफ वैल्यू को हम यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं. यूनिट ऑफ अकाउंट, आप अकाउंट्स बनाते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप अकाउंट्स बनाते हैं, आप डेबिट और क्रेडिट करते हैं एंट्रीज. आपने गुड्स खरीदे, किस टर्म्स में खरीदते हो? रुपीस में. तो आपने जो कैश पे किया आप उसको डेबिट कर देते हो, गुड्स आए वो क्रेडिट कर देते हो, है ना? या गुड्स को डेबिट कर देते हो, कैश को क्रेडिट कर देते हो. व्हाट गोज आउट, क्लियर?
सो उस केस में ये जो एंट्री आपने की किस टर्म में की, रुपीज में की। आप अपना पीएनएल अकाउंट बना सकते हो, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, आपको पता चलता है आपका प्रॉफिट कितना है। क्यों पता चलता है? क्योंकि सब गुड्स की वैल्यू आप रुपीज में मेजर कर सकते हो। इमेजिन अगर रुपी नहीं होता, मनी नहीं होती, तो आप अकाउंट्स में डेबिट क्या करते? आपने गुड्स वीट खरीदी तो उसके बदले क्या क्रेडिट किया? राइस। वीट अकाउंट डेबिटेड टू राइस अकाउंट। वीट कितने ली? 10 kg। राइस कितने दिए? 5 kg। तो रुपीज नहीं क्रेडिट कर डेबिट करते, क्या करते? गुड्स को, गुड्स की अमाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते। तो क्या अकाउंटिंग पॉसिबल थी फिर? नहीं। सो मनी बाय एक्टिंग, मनी हैज नाउ फैसिलिटेटेड एंड इट इज नाउ एक्टिंग एज अ यूनिट। मनी हैज फैसिलिटेटेड द मेजर ऑफ वैल्यू एंड इट इज एक्टिंग एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है। थर्ड फंक्शन, मनी एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी सेविंग्स कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ मनी। आज आपके घर में अपने मम्मा से पूछो, मम्मा आपने कितनी सेविंग करी हुई है? तो शी विल टेल यू द अमाउंट इन रुपीज, 10,000, 20,000, 5 lakh, 10 lakh, 4,000, 200, है ना? तो यानी मनी की टर्म्स में आप सेविंग्स कर सकते हो। कल को कोई भी फ्यूचर कंटिंजेंसी आए तो आप मनी को यूज करके, मैं सेव्ड मनी को यूज करके उसको फुलफिल कर सकते हो। बाटर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल था? नहीं। यू कुड सेव ओनली गुड्स एंड गुड्स यूज टू बी पेरिशेबल, तो लॉन्ग टाइम के लिए हम वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। फोर्थ, इट एक्ट्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स, यानी आप डेट्स जो हमारे ऊपर कर्जा है, डेट्स जो है दैट कैन बी डिस्चार्ज्ड यूजिंग मनी। अर्लियर इट वॉज नॉट पॉसिबल। अगर आपने किसी से वीट ली उधार, आपको वीट ही देनी पड़नी थी, लेकिन वीट की क्वालिटी डिफरेंट हो जाती थी, फिर लड़ाई झगड़े होते थे, यानी डेट्स सेटल नहीं हो पाते थे। नाउ डेट्स कैन बी इजिली सेटल्ड यूजिंग मनी। ठीक है। सो मनी ये चारों फंक्शंस, इसके अलावा भी फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये मेन फंक्शंस हैं जो कि मनी के हैं। क्लियर। सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर रिलेट्स टू मनी सप्लाई। अभिषेक चॉक्स निकाल दो बेटा। मनी सप्लाई, व्हाट इज मनी सप्लाई, हाउ डू वी डिफाइन मनी सप्लाई? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटे। मनी सप्लाई रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। थैंक यू। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज वी नो देयर एग्जिस्ट यू नो रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। पता है आपको, एक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई जितनी ज्यादा बढ़ती है, इन्फ्लेशन का रेट यानी प्राइस लेवल उतना ज्यादा बढ़ता है। सो हमें मनी सप्लाई कितनी है हमारी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, वो जानने का पूरा हमें, वी हैव टू नो दिस पैरामीटर। दिस इज एन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल मनी सप्लाई। वी नीड टू नो कि हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी है। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मनी सप्लाई होता क्या है। What is money supply? It is the stock of money held by the public at a point of time. So, because it is a stock of money, it is measured at a point of time. So, money supply, कौन सा concept है? Economics में सारे जो variables हैं, या तो वो stock variable होते हैं या वो flow variable होते हैं। ये कौन सा वेरिएबल है, स्टॉक या फ्लो? क्या फर्क है स्टॉक और फ्लो में? इवन दो नेशनल इनकम आपके सिलेबस में नहीं है, टर्म टू में है, लेकिन मैंने करवाई है आपको। व्हाट इज अ स्टॉक? एनीवन दिस साइड रेज योर हैंड।
Stock is a quantity measured at a particular point of time. And what is flow? Quantity measured over a period of time. ठीक है. So मनी सप्लाई हम कह रहे हैं कि लोगों के लेटर से ये एक इकोनॉमी है, आप उसकी पब्लिक हो. ठीक है. और मुझे आज के टाइम पे ये देखना है कि मनी सप्लाई कितनी है इस इकोनॉमी की. तो मैं लोगों से बोलूंगी व्हाट इज द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय यू पीपल, उसको मैं ऐड कर लूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, मनी सप्लाई. तो पहली बात, ये स्टॉक है जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है. सो ये कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है. ये फ्लो नहीं है, ये स्टॉक है. क्यों स्टॉक है? क्योंकि इट इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. दूसरी बात, इट इज द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, नॉट बाय बैंक्स और बाय द गवर्नमेंट. हेल्ड बाय द पब्लिक यानी वो लोग जो मनी के यूजर्स हैं, उन लोगों की मनी मेजर करनी है जो मनी को यूज कर रहे हैं, उनकी नहीं मेजर करनी जो मनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं. किसकी मनी मेजर करनी है? जो मनी को यूज कर रहे हैं. आप पब्लिक में आते हो, क्या आप मनी प्रोड्यूस करते हो कि यूज करते हो? यूज करते हो. ठीक है. तो लेट अस से ये जो दो लाइंस हैं ये पब्लिक है. आप गवर्नमेंट हो आर ये और आरबीआई और ये कमर्शियल बैंक्स हैं. डू यू क्रिएट मनी? सेंट्रल बैंक और आरबीआई मनी क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है. तो क्या मैं इनका मनी का स्टॉक मनी सप्लाई में एस्टिमेट करूंगी? सपोज करो आप लोगों के पास 200 रुपए हैं, ये मनी सप्लाई आ गई. आप कौन हो? आरबीआई हो. इनके पास 500 करोड़ है. क्या इनकी 500 करोड़ मनी सप्लाई में एस्टिमेट करते हुए आएंगे या नहीं आएंगे? बोलो बेटे, हाँ या ना बोल दो, तुक्का लगा दो. आने चाहिए नहीं आने चाहिए? क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि आप मनी के प्रोड्यूसर हो. मनी सप्लाई का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, दैट इज दोस हु यूज मनी, डिमांड मनी, जो मनी की सब को यूज करते हैं, स्पेंडेबल फॉर्म में जो उनके पास मनी पड़ी हुई है वो लेनी है. जो क्रिएट करते हैं, आरबीआई तो छापता है नोट, तो उसकी जो मनी वो छाप रहा है उसको हमने लेना है मनी सप्लाई में? नहीं लेना. कमर्शियल बैंक्स, इनके लेने रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स? नहीं लेने. क्यों नहीं लेने? क्योंकि वो भी मनी क्रिएट करते हैं. क्या वो नोट छाप के क्रिएट करते हैं? बाय क्रिएटिंग क्रेडिट, लोन देके वो मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट लाते हैं. सो इसीलिए किसकी मनी सप्लाई में किसकी मनी आएगी? इनकी, पब्लिक की. किसकी नहीं आनी? मनी क्रिएटर, प्रोड्यूसर या सप्लायर की. वो कौन है? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, गवर्नमेंट. क्लियर? नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई? देखो इस तरह से डिफाइन मैंने कर दिया, लेकिन अगर मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि जाओ मनी सप्लाई एस्टिमेट करके आओ, तो इट विल, योर टास्क विल बिकम इजियर इफ यू नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई. सो मनी सप्लाई हैज बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स, सी डी डी ओ डी. व्हाट इज सी? सी स्टैंड्स फॉर करेंसी. करेंसी इज व्हाट? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स held by public. So सबसे पहले मैं मनी सप्लाई एस्टिमेट कर रही हूं, तो मैंने सबसे पहले पब्लिक आइडेंटिफाई की, मैंने इनको इधर बिठा दिया.
फिर मैंने इनको बोला बताओ आपके पास कितनी करेंसी, आपने सबने अपने वॉलेट निकाले, किसी के पास 100 रुपए निकले और 10 का कॉइन निकला, किसी के पास 10 रुपए निकले और 5 का कॉइन निकला, एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने वो पेपर नोट्स और कॉइन्स ऐड कर लिए, मेरे पास क्या आ गया, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो करेंसी है इसको हम फियट मनी भी कहते हैं। फियट मनी, फियट मनी होता है बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। आप कोई भी नोट निकालो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, द बेयरर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स द बेयरर ऑफ नोट टू बी पेड, जितनी अमाउंट होती है उतना लिखा होता है। मतलब वो जो कागज का टुकड़ा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू 2000 के बराबर नहीं है, या 500 और 2000 के नोट में 1500 का वैल्यू पेपर की डिफरेंस के करके नहीं है, फिर भी इसकी परचेजिंग पावर डिफरेंट है। इसकी 500 है और इसकी 2000 है, कॉस्ट दोनों की सेम आई है प्रिंट होने में, बट क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि जो इस नोट को बियर कर रहा होगा उसको 500 की परचेजिंग पावर मिलेगी और जो इस नोट को बियर कर रहा होगा उसको 2000 की। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो उसकी ये वैल्यू बनी है, इस कागज के टुकड़े की वैल्यू सिर्फ किस कारण से बनी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनी है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फियट मनी। ठीक है, विच इज बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। और यही लीगल टेंडर भी है। लीगल टेंडर, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल टेंडर, विच इज लीगली अलाउड टू बी सर्कुलेटेड, लाइक रुपी इज अ लीगल टेंडर इन इंडिया। जब डीमोनेटाइजेशन हुई तो पहली लाइन प्रधानमंत्री ने क्या बोली, 500 नोट्स एंड 1000 नोट्स दे विल नाउ नो लॉन्गर बी लीगल टेंडर इन द कंट्री। अर्लियर दे वर लीगल टेंडर, सो यू कुड एक्सचेंज गुड्स विद दैट 500 एंड 1000 नोट। उसके आज आपके पास कोई पुराना 500 का नोट पड़ा है, आप उसको दे के 500 की वैल्यू ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, इट इज नो लॉन्गर लीगल टेंडर। यानी अब गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया इट टू बी सर्कुलेटेड लीगली। ठीक है, लीगल टेंडर एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड मतलब जैसे नोट्स हैं, हजार हजार के जितने मर्जी नोट आप दे दो किसी को, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे उसको। लेकिन जो कॉइन्स हैं, जैसे आपसे मैंने 1,00,000 रुपए लेने हैं तो आप मेरे को सारी पेमेंट 25-25 के कॉइन्स में कर दो, 25 पैसे के कॉइन में, तो मैं तो वो ट्रक भरती रह जाऊंगी। ठीक है, जस्टिफाइड नहीं है, तो इसीलिए जो कॉइन्स हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, दूसरा हमारा कौन सा है कंपोनेंट, डिमांड डिपॉजिट। ये नेट डिमांड डिपॉजिट आने हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले देखो डिमांड डिपॉजिट होते कौन से हैं। मैंने आपसे पूछा बेटे आपके पास कितने पैसे हैं, आपने कहा भी इतने मेरे नोट पड़े हुए वॉलेट में और इतने कॉइन्स पड़े, क्या आप सिर्फ वही स्पेंड कर सकते हो, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द मनी इन स्पेंडेबल फॉर्म विद यू पीपल, योर पेरेंट्स हैव ओपन एन अकाउंट फॉर यू इन बैंक, तो जरूरत पड़े आप उसको खर्च सकते हो कि नहीं, खर्च सकते हो ना, सारे तरह के अकाउंट्स को खर्च सकते हो पैसे, कौन से अकाउंट को खर्च सकते हो, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट। दो डिपॉजिट ऐसे होते हैं बेटे, सेविंग और करंट डिपॉजिट, जिसमें से आप मनी ऑन डिमांड विदड्रॉ कर सकते हो। इनको हम चेकेबल डिपॉजिट भी कहते हैं क्योंकि इनके साथ एक फैसिलिटी दी जाती है चेक की। यानी अगर आप टीवी खरीदने गए, आपके पास करेंसी नहीं है, आप चेक काट के दे दो, दैट विल बी इजिली एक्सेप्टेड एज मनी। सो ऑफ कोर्स इट इज अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। कौन से, डिमांड डिपॉजिट। व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स, फ्रॉम विच मनी कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड। ऐसे कौन से डिपॉजिट्स हैं, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट।
एफडी आरडी वो नहीं आने, चेकेबल डिपॉजिट्स आने। फिर नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या, इंटर बैंक जो डिपॉजिट्स है ना, एक बैंक ने दूसरे बैंक में जो पैसे रखे। अब ये डिमांड डिपॉजिट में आप सबका अकाउंट एसबीआई में है, ठीक है, मैं एसबीआई गई, मैंने कहा इन बच्चों का बताना कितने अकाउंट है, बैलेंस कितना है, उन्होंने मेरे को बता दिया ये 10,000 रुपए। मैंने सिर्फ यही लेना है, अगर बैंक मुझे बताने लग जाए कि हमारे साथ ना पीएनबी ने भी 10,000 रुपए जमा कराए हुए, वो भी हमारा डिमांड डिपॉजिट है, वो भी ले लो। शुड आई इंक्लूड दिस? नो, आई हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट मींस डिपॉजिट्स ओनली ऑफ पब्लिक, इंटर बैंकिंग डिपॉजिट नहीं लेने। क्लियर? सो अदर, तीसरा कंपोनेंट है अदर डिपॉजिट्स। दिस कंप्राइजेस वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, क्या आता है अदर डिपॉजिट्स में? अदर डिपॉजिट्स में आता है डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के साथ डिमांड डिपॉजिट, आप आरबीआई हो, आपके साथ कौन कौन डिपॉजिट रखता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन की गवर्नमेंट या फॉरेन के सेंट्रल बैंक भी आरबीआई के साथ डिमांड डिपॉजिट रखते हैं, और तीसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, आईबीआरडी हो गई, डब्ल्यूएचओ हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों के जो आरबीआई के साथ डिमांड डिपॉजिट है, दैट इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ यू नो मनी सप्लाई, सो समटाइम्स वी इग्नोर इट। क्लियर? सो टू मेन कंपोनेंट्स आर करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। क्लियर है? अब मनी सप्लाई को मेजर करने के चार मेजर्स हैं जो चलते हैं जनरली, M1, M2, M3, M4। ठीक है, इंडिया M1 और M2 नैरो हैं और M3 और M4 ब्रॉडर हैं। इंडिया में M3 यूज किया जाता है, M3 को हम, M3 से जो हमारे पास मनी की सप्लाई आती है, हम कहते हैं ये इंडिया के एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं। क्या कहते हैं? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। डिफरेंस क्या है दोनों में, चारों में? M1 इज C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, यानी इसमें आएगा करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। माइंडेड, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? बोलो, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं बेटे? अभी तो बता के हटी हूं मैं, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? विच कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक। ये कंप्लीट कर लो। M2 में क्या आना है? M1 प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक के अलावा, तो वो भी मनी सप्लाई का हिस्सा होने चाहिए, क्योंकि वो भी आप जैसे मर्जी चाहे स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, M3, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। टाइम डिपॉजिट यानी FDs, फिक्स डिपॉजिट, जिनके अगेंस्ट चेक की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो भी हम इजीली आजकल लिक्विड फॉर्म में ही होता है, जब मर्जी आप अपनी FD मैच्योर करवा सकते हो, तुड़वा सकते हो, तो इसीलिए वो भी मनी सप्लाई का हिस्सा बन गई। C प्लस DD प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। M4 इज M3 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, सॉरी टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। ये वैसे मेजर्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बेटे टॉपिक सिलेबस थोड़ा सा है, तो
कुछ भी पूछ सकता है आपसे सीबीएसई, ठीक है, इसलिए मैंने करा दिया, दैट्स ऑल फॉर टुडे।